गाइस रिसेंटली बुधवार को भारत की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट है वो पेश किया, और गाइस इस बजट में काफी सारी ऐसी चीजों के ऊपर भी बात की गई जो कि डायरेक्टली हमारी टेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। गाइस यहां पर इस बजट के बाद देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे की बात करें स्मार्टफोन्स हो गए, कैमरास हो गए, यहाँ पर जो LED TV हो गई, और यहाँ पर गाइस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनके प्राइस कम होने वाले हैं। तो गाइस सबके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्टफोन के बारे में। गाइस स्मार्टफोन के जो पार्ट्स जो बाहर से आते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, उन पर गाइस जो इंपोर्ट जो ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसको कम कर दिया है। यहाँ पर गाइस जो स्मार्टफोन के पार्ट्स, जैसे कि डिस्प्ले हो गई, बैटरीज हो गई, यहाँ पर जो कैमरा लेंसेस हो गए, उन पर गाइस कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई, जिससे कि हमारे इंडिया में जो भी स्मार्टफोन बन रहे हैं तो उनकी प्राइस भी गाइस कम हो जाएगी। तो डेफिनेटली फ्यूचर स्मार्टफोन हमको कम प्राइस पे देखने को मिलेंगे। गाइस यहाँ पर इतनी प्राइस भी नहीं कि 50,000 के स्मार्टफोन आपको 20,000 में मिल जाए, नहीं, लेकिन गाइस प्राइस में कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट तो कम देखने को मिलेगा ही। अब गाइस बात करें यहाँ पर LED TVs की, तो उनकी प्राइस भी गाइस कम होने वाली है, क्योंकि स्मार्टफोन की तरह जो LED TVs के पार्ट्स हैं उन पर भी गाइस कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। यहाँ पर गाइस LED TVs की बात करें तो उनकी प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग 2,000 से लेकर 10,000 तक गाइस इनकी प्राइस में कमी आ सकती है। गाइस अब बात करें EVs की, मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। गाइस देखा जाए तो फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है, तो इनकी प्राइस में कमी आना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस जो पेट्रोल डीजल है ये तो गाइस लिमिटेड समय तक ही हमको मिल पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। सो गाइस आगे चल के आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही देखने को मिलेगी, और इनकी प्राइस में भी कमी होने वाली है, क्योंकि गाइस इनके अंदर यूज़ की जाती है लिथियम आयन बैटरी, और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको गाइस घटाकर 13% तक करने का जो प्रस्ताव है वो किया गया है, जिससे गाइस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्राइस भी कम हो जाएगी। और क्योंकि गाइस बात हो रही है लिथियम आयन बैटरी की, सो गाइस हमारे स्मार्टफोन है उनमें भी लिथियम आयन बैटरी लगती है, जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह है उनमें भी लिथियम आयन बैटरी लगती है, तो इनकी प्राइस में भी कहीं ना कहीं कमी तो देखने को मिलेगी ही। गाइस यदि बात करें DSLR की, कैमरा की, तो इनकी प्राइस भी गाइस कम होने वाली है, क्योंकि इनमें जो यूज की जाते हैं लेंसेस उन पर भी गाइस कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो डेफिनेटली DSLR की प्राइस भी कम हो जाएगी। सो गाइस ये तो वो सारी अपडेट्स सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स के बारे में, जिन पर की डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा है जो बजट पेश किया गया है उसका। आई होप गाइस वीडियो को पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।